हिल नहीं होती है, वहाँ से जो भी बच्चा सब पैदा होता है वहाँ से जो अमन वाली एक मीटिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा जो CHD के हार्ट के या जो भी जितने भी सर्जरी हमारे चार हुई इधर देखो सर, यहाँ देखो सर, जोगिंदर बोलने लग रहा है आपने, ठीक है। मेरा लड़का जी प्रतीक जी, इसका उस पर दमोतिया बिंद था खून दोनों में, और इसका मेरे पास इतना खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं थे जी। फिर मैंने पता लगा कि ये भारत सरकार के द्वारा इलाज किया जाए इसका, तो मैं आज इंदौर हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। इन्होंने मेरा लड़के का भिवानी गिरी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया, दोनों आँखों में लैस डलवाई इसकी, और ये बहुत ठीक है जी। भाई का वो दिल का ऑपरेशन हुआ, हम पहले वहाँ गए, हमारे भाई के स्कूल में मैडम आई थी अस्पताल वाली, उन्होंने देखा और फिर वहाँ गए सिविल हॉस्पिटल में आए, उन्होंने रोहतक का पर्चा काट दिया, फिर रोहतक से हम फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से चंडीगढ़ ऑपरेशन हुआ 75,000 रुपये में, हमारा बिल्कुल फ्री हुआ। के लिए आपको धन्यवाद करते हैं सरकार को। डॉक्टर साहब किस तरह की स्कीम है सरकार की? ये RBS की स्कीम है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, राष्ट्रीय प्रोग्राम है, और इसमें जो स्कूली बच्चे हैं 0 से 6 साल तक सभी बच्चों का इलाज जन्मजात से लेकर जो गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा सरकार करवाती है। और हमने तकरीबन 2020-21 में 46 केस करवाए हैं, जो दिल के छेद के हैं, हार्ट पेशेंट हैं, और आपके क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के हैं, आईज के हैं, कैटरेट के हैं, स्क्विंट के हैं, और कमर में फोड़ा है, और 2021-22 में 77 केस करवाए हैं। तकरीबन हमारी 2020-21 में जो हरियाणा सरकार ने इनके ऊपर राशि खर्च की है वो 25 लाख के करीब की है, और 2021-22 में 34,21,040 रुपये खर्च किए हैं, और 123 टोटल केस किए हैं। और जींद ज़िले ने हरियाणा में कोविड के दौरान 2 साल में सबसे ज़्यादा बच्चों की 0 से लेकर 18 साल तक के ऑपरेशन करवाने में फर्स्ट नंबर आया, एक नंबर पर है जींद ज़िला, जिसने सबसे ज़्यादा कोविड के दौरान सब बच्चों का हरियाणा सरकार से फ्री ऑफ इलाज सरकार से फ्री इलाज करवाया।
इसके लिए सर उपचार करवाने के क्या मापदंड है, अभी किस तरह की स्कीम है ये? इसके लिए आपको यदि बच्चा जहाँ डिलीवरी पॉइंट है, बच्चा पैदा होता है, उसको कोई भी डिफेक्ट है कंजेनाइटल बाई बर्थ, 0 से 3 साल तक आंगनबाड़ी, और उसके बाद 3 साल से 6 साल तक स्कूल में भी आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद 6 से 18 साल तक सरकारी स्कूलों का बच्चा हो, सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, और हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है सिविल हॉस्पिटल में रूम नंबर 110, उसमें ये सारे कोई भी आके हमें रजिस्टर्ड करवा सकता है। बाकी हमारी 12 मोबाइल हेल्थ टीम है पूरे ज़िले में, हर सब डिवीजन वाइड, जिसमें 2 डॉक्टर, 1 ANM और 1 फार्मासिस्ट है, वो स्क्रीनिंग करते हैं सारे स्कूलों के बच्चों का, और हमारा ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट है जो बच्चों के स्कूलों में आँखें चेक करते हैं, वो सारे यहाँ DIC सेंटर में भेजते हैं, उसके बाद सब केस बना के हम हायर अथॉरिटी को चंडीगढ़ भेजते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, सब बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाता है इनका हरियाणा सरकार द्वारा, इनका किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं लगता। जिसमें फोर्टीज मोहाली का हॉस्पिटल है पैनल पे है, सर्वोदय फरीदाबाद है, और धीर हॉस्पिटल भिवानी है, बालाजी हॉस्पिटल बंस हॉस्पिटल करनाल है, तो सब ये इलाज फ्री होता है सब बच्चों का।